Hello everyone, this is Mohammad Rais and today I am going to discuss with you sports rackets. And in sports rackets, I will discuss about table tennis. First of all, I would like to thank my supervisor, Dr. Naushad Wahid Ansari sir, who gave me opportunity to present a presentation on my topic, and that is what are the serves and the execution of the top spin serve and back spin serve. तो आइए उससे पहले कुछ टाइप्स ऑफ सर्व के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि टॉप स्पिन सर्व, बैक स्पिन सर्व, फोर हैंड सर्व एंड बैक हैंड सर्व, हाई टॉस सर्व एंड द रेडुलम सर्व। तो कुछ इस तरह से टाइप्स ऑफ सर्व होते हैं, बट मेन जो आपका मेरा जो मोटिव आपको बताना वो सर्व के एग्जीक्यूशन क्या होता है और उसके बाद टॉप स्पिन सर्व किस तरह से किया जाता है और बैक स्पिन सर्व क्या क्या रोल है, और आखिरी में हम आपसे बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर ड्यूरिंग अ मैच और ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस वो कॉमन मिस्टेक करते हैं। सो लेट्स बिगिन। उससे पहले हम ये जानेंगे कि सर्व होता क्या है, व्हाट इज सर्व। तो सर्व इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लेइंग टेबल टेनिस। जो टेबल टेनिस खेलने का जो इम्पॉर्टेंट स्किल जो है वो सर्व पे ही डिपेंड करता है। अगर आपने सर्विस अच्छी कर दी तो आपका जो गेम है वो दिख जाता है कि हाँ इस प्लेयर के अंदर टैलेंट है, स्किलफुल है पूरा, और वो अपोनेंट भी आपको जज कर लेता है कि आपने सर्व इस तरह से किया है कि वो आपको देख लेता है कि हाँ ये जो हमारा अपोनेंट प्लेयर है ये स्किलफुल है, तो वो भी थोड़ा सोच समझ के खेलना आना शुरू करता है मैच के दौरान। तो आइए हम डेफिनेशन से देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है सर्व का। व्हेन द सर्विंग प्लेयर थ्रो द बॉल फ्रॉम देयर फ्री हैंड एंड देन स्ट्राइक, जैसे कि आपका मैं एग्जाम्पल के तौर पर पैडल बनाया हूँ और एक टेनिस बॉल है जो कि आप टेबल टेनिस बॉल इसे मान सकते हैं। तो जो फ्री हैंड से जो बॉल वो ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, उसके बाद क्या करना होता है उन्हें, स्ट्राइक करते हैं विद देयर पैडल। तो जब बॉल और पैडल का जब एक दूसरे के साथ स्ट्राइक होता है तो वो क्या कहलाता है, सर्व कहलाता है। ओके, आइए उससे पहले कुछ की पॉइंट्स ऑफ सर्व का क्या है जो कि हमें याद रखना है ड्यूरिंग अ मैच। थ्रो द बॉल फ्रॉम देयर फ्री हैंड एंड देन स्ट्राइक इट विद पैडल। मैंने आपको इससे पहले ही बताया है कि हम बॉल को थ्रो करेंगे ऊपर की तरफ और जब वो नीचे की तरफ आएगा तो हमें अपने पैडल से स्ट्राइक करना है। तो सबसे पहले तो ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद क्या है, प्लेयर मस्ट स्ट्राइक द बॉल देयर ओन साइड फर्स्ट। जब हम सर्व करते हैं, जब बॉल और पैडल का जो स्ट्राइक होता है तो हमें ये कोशिश करते हैं कि सबसे पहले अपने कोर्ट में उसे हम बाउंस कराएं या स्ट्राइक कराएं। देन उसके बाद क्या होगा, आपका बॉल ऑटोमेटिकली वो ओवर द नेट, नेट के ऊपर से अपोनेंट के कोर्ट में वो बाउंस करेगा या लैंड करेगा। तो यहाँ पे मैंने स्लाइड पर लिख रखा है, क्लियर द नेट एंड देन लैंड्स ऑन देयर अपोनेंट हाफ टेबल, और वो अपोनेंट के हाफ टेबल में वो लैंड करता है। ओके, तो ये तो कुछ की पॉइंट्स था जो मैंने आपको बता दिया। अब एग्जीक्यूशन ऑफ द सर्व क्या है, जो हम सर्व करते हैं उसका स्टेप क्या है, स्टेप क्या, स्टेप बाय स्टेप को किस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हमारा सर्व अच्छा होगा और वो लीगल माना जाएगा, ना कि इलीगल। क्योंकि अगर इलीगल अगर सर्व करते हैं तो हमें मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या फिर अपोनेंट को बार बार सर्व करने का मौका मिल जाएगा। तो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे समझाने वाला हूँ, पहले मैं आपको इमेज के थ्रू डेमोंस्ट्रेट करूँगा, फिर आपको एक कंक्लूज़न मैंने बना रखा है वहाँ पर क्या स्टेप है, देन लास्ट में आपको वीडियो के साथ और एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, होल्ड द बॉल, आपको बॉल को होल्ड करना है, ठीक है, इस तरह से, जिस तरह से इमेज में दिखा रहा है। उसके बाद क्या है, दूसरे हाथ में आपका पैड, दूसरे हाथ में आपका क्या होगा, पैडल होगा, ठीक है। टू स्टार्ट अ लीगल सर्व, कीप योर हैंड कम्प्लीटली ओपन एंड फ्लैट आफ्टर यू पिकअप द बॉल। हमें लीगल सर्व करने के क्या क्या करना होगा, कम्प्लीटली हमें ओपन करना होगा इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और वो आपका हाथ जो है, पाम जो पूरा फ्लैट की तरफ होगा और आपका बॉल आपके पाम के ऊपर होगा। ओके, देन उसके बाद क्या है, कीप द बॉल एबव द टेबल एंड बिहाइंड योर सर्व लाइन। जो हमारा एंड लाइन होता है, जो बैक लाइन, बैक साइड जो हमारा एंड लाइन होता है टेबल टेनिस का सर्विस का,
उसको क्या करना है, उसके एबव रखना है और उसके पीछे रखना है, पीछे बिहाइंड योर सर्व लाइन, जो सर्व लाइन होता है उसके पीछे होगा, ना कि उसके ऊपर या फिर हमारे टेबल के ऊपर, ये फॉल हो जाएगा। ओके, अब जो ऑफिशियल होंगे वहाँ पे वो विसलिंग कर देंगे और अपोनेंट को ऑप्शन मिल जाएगा सर्व करने का, इस बात का ख्याल रखना है। देन थर्ड पॉइंट क्या है, कीप योर पैडल हैंड बिलो द टेबल टू हाइड इट। हाइड इट मीन्स कि आपका जो सामने है जो अपोनेंट को ये बॉल तो यूँ दिख जाएगा, फिर उसके पीछे जो ये है इस तरह से ये होना चाहिए। ओके, ये आपकी पोजीशन होगी थर्ड स्टेप जो होगा। उसके बाद क्या है, थ्रो द बॉल एटलीस्ट 16 सेंटीमीटर अप इन द एयर। ये हमारी पोजीशन हो गई। अब हमें क्या करना है, अपने हाथों से बॉल को ऊपर फेंकना है, जो कि मिनिमम 16 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम बात करें इंचेस में तो वो 6.3 इंचेस, मतलब ऊपर की तरफ वो रन करेगा, ट्रेवल करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। नाउ उसके बाद क्या होगा, जब हमने बॉल को हवा में फेंक दी तो वो एक पॉइंट पे जाकर वो उसका जो स्पीड है वो जीरो हो जाएगा, देन ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ डाउन नीचे की तरफ आएगा। देन हमारा काम क्या है, जो हमारा पेडल होगा उसे हमें स्ट्राइक करना होगा, स्ट्राइक द बॉल व्हेन इट्स फॉलिंग डाउन। जब वो नीचे की तरफ गिरेगा तो पूरा नीचे गिरने से पहले हमें स्ट्राइक करना है, जिससे कि हमारा स्तर सक्सेसफुल हो जाए। ओके, आप पोजिशन में देख सकते हैं एकदम इंस्टेंट है कि यहाँ पे बॉल और रैकेट पेडल का कॉन्टेक्ट होना चाहिए इस वक्त। ओके, सिक्स पॉइंट ये है, बाउंस द बॉल ऑन योर साइड बिफोर इट गोज ओवर द नेट हिट द बॉल। ओके, जैसे हम बॉल और पैडल का जो स्ट्राइक करवाएंगे तो पहले ये कोशिश होगा कि वो अपने ही कोर्ट में पहले बाउंस करे वो, अगर वो करता है देन सर्व माना जाएगा, अगर डायरेक्ट हमने अपोनेंट के कोर्ट में कर दिया या डायरेक्ट हमने नेट पे कर दिया तो ये सर्व नहीं होगा, ये अपोनेंट को ऑप्शन मिल जाएगा अगेन सर्व करने के लिए। सेवन पॉइंट क्या है, हिट एनी वेयर ऑन द टेबल इफ़ यू आर प्लेइंग सिंगल। अगर हम सिंगल प्लेइंग कर रहे हैं देन अपोनेंट के कोर्ट में हम कहीं भी बॉल हिट कर सकते हैं, पहले अपने कोर्ट में बाउंस कराएंगे उसके बाद अपोनेंट के कोर्ट में कहीं भी बॉल वो जाके बाउंस कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर प्लेइंग इन अ डबल देन अपोजिट डायगनल, इफ यू आर प्लेइंग डबल देन हिट द बॉल इन अपोजिट डायगनल। इट मीन्स इफ यू आर प्लेइंग इन द लेफ्ट साइड देन द लेफ्ट साइड देन द राइट साइड विल बी द बॉल गोज। ओके, यू विल सर्व डायगनली लाइक दिस, इफ यू आर लेफ्ट साइड देन बॉल विल बी गोज राइट साइड, इफ यू आर इन राइट साइड देन बॉल विल बी गोज लेफ्ट साइड। तो इस बात का ख्याल रखना है हमें। तो आइए अब हम जो आपको मैंने यहाँ पे इमेज के थ्रू मैंने आपको डेमोंस्ट्रेट किया है उसी को एज इट इज मैं वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ। लेट्स प्ले। तो ये एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं और ये अपने बारे में बता रहे हैं कि नेशनल इंटरनेशनल और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये हमें बता रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा जो पोजिशन होगा वो ये जो है सर्व लाइन जो है उसके ऊपर हमें क्या कहते हैं अपने पैडल को नहीं रखना है और उसके पीछे ही रहना हमें, और जो हमारा जो बॉल जो होगा वो ओपनली है ना क्या कहते हैं आपके पाम के ऊपर ओपनली ऐसा होगा कि पूरे अपोनेंट प्लेयर को दिखना चाहिए, ठीक है। और हमें क्या करना है, बॉल को ऊपर की तरफ राइज करना है जो कि मिनिमम 16 सेंटीमीटर का होना चाहिए। देखिए इसने राइज किया है 60 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और उसके बाद क्या, हमें जैसी बॉल नीचे की तरफ आएगा तो हमें बॉल और पैडल का स्ट्राइक करना होगा लाइक दिस, इस तरह से। तो ये हमारा क्या है, ये सर्व सक्सेसफुल माना जाएगा। ओके, हमें अपने हाथ को जो हमारा सर्व लाइन है उसके ऊपर नहीं लेके आना है, हमें उसके ऊपर नहीं लेना है, हमें उसके पीछे से ही सर्व करना है और बॉल को ऊपर की तरफ राइज करना है। आप देख सकते हैं ये दूसरे साइड से ये करके दिखा रहे हैं इस तरह से। अगर इस तरह से अगर आप करते हैं लाइन के ऊपर से तो ये क्या है, फॉल हो जाएगा। ओके, फिर आइए नेक्स्ट ये दिखाते हैं कि जनरली जो एक होते हैं ये मतलब जनरली आया और बॉल को हिट कर दिया के सर्विस के ऊपर से, तो ये लीगल नहीं है, ये इलीगल माना जाता है। एक सर्व का ये तरीका है कि जो सर्व लाइन है उसके पीछे आपका हाथ होना चाहिए और लाइक दिस इस तरह से होना चाहिए। ये क्या है, ये पूरा लीगल तौर पर सक्सेसफुल सर्व ये माना गया है। ओके, तो ये आपको होप समझ में आ गया होगा वीडियो से। Now, अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द टॉप स्पिन सर। अब टॉप स्पिन किस तरह से किया जाता है हम इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आइए हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है टॉप स्पिन का। द फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ द टेनिस बॉल इज कॉल्ड टॉप स्पिन।
टेबल टेनिस की बात हो रही है तो यहाँ पे टेनिस बॉल आप टेबल टेनिस बॉल ही समझेंगे, मतलब कि जो टीटी का जो बॉल होता है, जो टेबल टेनिस का जो बॉल होता है, तो जो फॉरवर्ड रोटेशन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, टॉप स्पिन कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होता है कि आपका जो पोजीशन है वो सही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने पोजीशन सही तरीके से लिया है तो आपका जो सर्विस होगी टॉप स्पिन वो बहुत ही वेल परफॉर्म होगा, अगर आपने पोजीशन सही से नहीं लिया है तो इट मे बी रॉन्ग। सबसे पहले क्या है, वेयर यू स्टैंड विल डिपेंड ऑन विच हैंड इज योर डोमिनेंट हैंड। आप कहाँ पे स्टैंड हैं, कहाँ पे खड़े हैं, ये आपका हाथ बताएगा, वो आपका हाथ डोमिनेंट हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ यू आर राइट हैंडेड यू विल स्टैंड एट द बैक हैंड कॉर्नर ऑफ द पिंग पोंग टेबल। इट मीन्स टेबल टेनिस का जो टेबल जो होता है उसके बैक हैंड कॉर्नर पे आप स्टैंड होंगे इफ यू आर राइट हैंडेड। अगर इसी में आप लेफ्ट हैंडेड है तो आपका ये बैक हैंडेड नहीं होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, ये फॉरवर्ड कॉर्नर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, पुट योर राइट फुट फॉरवर्ड एंड बेंड योर नी स्लाइटली, दिस इज रेडी पोजिशन फॉर अ सर। जो आपका राइट फुट होगा और राइट फुट को आपको आगे रखना है, ठीक है, और उसके स्लाइटली हमें नी को बेंड करना है, स्लाइटली नीचे जाना है, गोज डाउन। उसके बाद जो पोजीशन आपका जो होगा वो सर्व के लिए पूरा रेडी पोजीशन होगा टॉप स्पिन के लिए। उसके बाद क्या है कि जब हमने पोजीशन ले लिया तो बॉल एंड पैडल का स्ट्राइक होना है। अगर हम टॉप स्पिन की बात करें तो जो हमारा जो ये पैडल है इसका जो डायरेक्शन है वो फॉलो थ्रू जो जाता है ये स्काई की तरफ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा। और जो जब वो स्ट्राइक करेगा जो एंगल का जो फॉर्मेशन होगा पैडल और बॉल का तो वो 45 डिग्री पे होगा। तो हम टॉप स्पिन की जब बात करते हैं तो टॉप ऑफ द एज बॉल को स्ट्राइक करता है वो, टॉप ऑफ द एज, ओके, लाइक दिस। इसमें आप 6 स्टेप्स हैं, आप इस 6 स्टेप्स को केयरफुली देख सकते हैं कि जो पहला स्टेप जो हमने ए में दिखाया है वो क्या है, नीचे की तरफ पूरा पोजिशन हमने ले लिया, हल्का सा डाउन जा रहे हैं। बट अगर बी में देखा जाए तो हमारा जो बॉडी का जो वेट है वो पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब कि अगर आप कि आपका जो राइट फुट है वो आगे की तरफ है तो आपका जो बॉडी का जो वेट है वो लेफ्ट फुट की तरफ जा रहा है। सी में क्या है, टोटली हम एक पोजीशन है कि जहाँ पे हमें जाके अपने बॉडी को होल्ड कर देना है फिर वहाँ से वापस आना है, वहाँ पे ये सी पोजीशन में आप देख सकते हैं कि सी पोजीशन में क्या है, लास्ट पोजीशन में चला गया। उसके बाद क्या है, डी में वापस हमें आना है, हमें वापस अपने स्पीड अपने बॉडी को इस तरह से लेके आना है कि फिर हमारा ई पोजीशन वाला फॉलो करेगा और लास्ट में जो है जो हमारा फ्री हैंड है ये पूरा जो जाएगा ये हमारा बॉल ऊपर की तरफ राइज करेगा और ये फ्री हैंड मेरा जो पैडल आएगा वो स्ट्राइक करके ये पूरा एक टॉप स्पिन का क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन को फॉलो करता है, ओके। आइए हम वीडियो दिखाते हैं, इसमें वीडियो में क्या है कि टॉप स्पिन करने के वक्त जो मैंने अभी बताई कि जो पैडल का जो फ्लो थ्रो जाएगा वो स्काई की तरफ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ओके, लेट्स सी, देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये टॉप स्पिन का एग्जांपल ये डेमोंस्ट्रेशन है वीडियो के थ्रू। और यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा ये मतलब कि पोजीशन ले रही हैं और उसके बाद ये आपका फ्लो थ्रो जा रहा है और ये जो आपका जो पैडल है यहाँ पे भी बताएंगे कि जो एंगल जो फॉर्मेशन होता है ये जो टॉप एज जो होता है टॉप एज ऑफ द जो पैडल होता है वो स्ट्राइक करता है टॉप स्पिन के लिए और ये नीचे की तरफ जाता है, स्ट्राइक बॉल नियर टॉप स्पिन, ओके, और वो रोल करते हुआ पूरा ओवर द बॉल, जो पैडल होता है वो रोल करता है किसके ऊपर, बॉल के ऊपर, और ये आपका टॉप स्पिन हो जाता है यहाँ पे। अब क्या है ना, अब जो हम बात करने वाले हैं वो बैक स्पिन के बारे में कि बैक स्पिन जो सर्व होता है वो किस तरह से करते हैं। तो मैं बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्विंग टेक्निक्स इन टेबल टेनिस, जो टेबल टेनिस जो गेम है उसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो बैक स्पिन का यूज़ किया जाता है। ये बैक स्पिन इस तरह का होता है कि इट कैन बी परफॉर्म विद बोथ फोर हैंड एंड बैक हैंड, इसे दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है। ये बैक हैंड हो गया इस तरह से, ये वाला जो पोजिशन है आप देख सकते हैं इमेज के थ्रू, आप देख सकते हैं ये जब जाएगा ये डाउन द सर्फेस, ठीक है, सर्विस इज परफॉर्म बाय स्ट्राइकिंग द बॉटम ऑफ द बॉल
इन ऑर्डर टू अप्लाई बैक स्पिन इज परफॉर्म ऑन द टेबल। अब बैक स्पिन क्या है कि जो बॉटम ऑफ द जो बॉल होता है वो वहाँ पे वो सर्व करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो हमारा ये बैक स्पिन कहलाएगा। एक अच्छे बैक स्पिन एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें, ये कब कहलाएगा, इफ बॉल इज लैंडेड क्लोजली टू द नेट ऑन द अपोनेंट साइड ऑफ द टेबल विच इज डिफिकल्ट टू रिटर्न। इट मीन्स एक वेल एग्जीक्यूटेड बैक स्पिन तब कहलाता है जब आप अपोनेंट के कोर्ट में नियर द नेट अगर बॉल को लैंड कराते हैं तो ये सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अपोनेंट को उस बॉल को वापस करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी आती है। जब डिफ़िकल्टीज आएगी तो ऑब्वियसली आपका पॉइंट आपको गेन होगा ही। तो ये बैक स्पिन का एक इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट है। अगर हम बॉडी पार्ट्स की अगर बात करें, प्लेयर कैन अप्लाई स्पिन ऑन द बॉल, वो क्या कर सकता है, वो जो करता है स्पिन पैडल और बॉल का जो होता है कॉन्टेक्ट, वो क्या करते हैं स्पिन की तरह से अप्लाई करते हैं। नी शुड बी स्लाइटली बेंड, मैंने आपको बता दिया जो आपका नीज होगा वो स्लाइटली बेंड जाएगा, ओके। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेग मोर देन शोल्डर स्पेस, जो हमारे जो शोल्डर का जो स्पेस है उससे थोड़ा ज़्यादा होगा जो कि हमें कंफर्टेबल फील होगा ड्यूरिंग अ सर्व, ओके। एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर फिर से, एंगल इज 45 एंड स्ट्राइक द बॉल देयर एट बॉटम ऑफ द पैडल। जो एंगल का जो फॉर्मेशन होता है बैक स्पिन में, इसमें भी 45 होता है, बट यहाँ पे क्या है वो बॉटम ऑफ द एज लगता है वो बॉल के, ओके। और टॉप इसमें मैंने क्या बताया था, उसमें भी 45 डिग्री का एंगल बनता है बट वो टॉप ऑफ द एज पैडल पर लगता है, ओके। सेम बात है यहाँ पे भी, नी शुड बी स्लाइटली बेंड, आपका जो नी है वो स्लाइटली बेंड होना चाहिए जो कि सबसे कंफर्टेबल जोन होता है टेबल टेनिस खेलने के लिए और बैक स्पिन एज वेल टॉप स्पिन के सर्व के लिए। तो आइए इस वीडियो से हम थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जो हमारा जो पैडल है वो अप डायरेक्शन में जा रहा है या डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, जो ये डिफाइन करेगा ये टॉप स्पिन है या बैक स्पिन। तो आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, एंगल बनाएगा 45 का और ये क्या करता है स्ट्राइक कर रहा है, मतलब कि जो बॉटम एज जो है बॉल का वहाँ से बॉल को स्ट्राइक करके और इस तरीके से आप सर्व करेंगे तो आपका ये बैक स्पिन सर्व कहलाएगा। जो डायरेक्शन जो होता है क्या कहते हैं पैडल का, वो आपका क्या होगा डाउनवर्ड्स होगा, डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द सरफेस, और टॉप स्पिन में अपवर्ड टूवर्ड्स द स्काई। सो आई हैव कंप्लीटेड माई सर्व टॉप स्पिन एज वेल एज बैक स्पिन। हेयर आर द सम कॉमन मिस्टेक्स विच डन बाई प्लेयर्स ड्यूरिंग अ मैच और प्रैक्टिस प्लेयर। सो वॉट इज द फर्स्ट पॉइंट, प्ले द स्ट्रोक विद टाइट रिस्ट। जब हम टेबल टेनिस खेलते हैं या टॉप स्पिन या बैक स्पिन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारा रिस्ट जो होता है वो हमें टाइट कर ले, ये क्या है मिस्टेक है, ये हमें नहीं करना चाहिए, ओके। इसका रिजल्ट क्या होता है अगर हमने अपने रिस्ट को अगर हमने टाइट कर लिया तो, मेकिंग इट मच हार्डर टू स्पिन द बॉल। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो सर्व प्लस टॉप स्पिन प्लस बैक स्पिन, तो अगर हमें बॉल में अगर स्पिन करवानी है तो हमारा जो रिस्ट है वो टाइट ना चाहिए, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। ट्राई टू कीप योर रिस्ट एज लूज एज पॉसिबल, जितना आप इसे लूज रखेंगे उतना ही अच्छा आपका टॉप स्पिन होगा और बैक स्पिन होगा। तो ये कॉमन मिस्टेक जो कि प्लेयर करते हैं, आपको नहीं करना है ये। दूसरा क्या है, स्टार्ट विद योर बैट टू हाई, हमने इतना ऊपर ले गया कि वापस लाने में हमें दिक्कत होती, ठीक है, हमें क्या है मीडियम अपने रेंज में रखना है, इसे अपने बैट को अपने पैडल को अपने रेंज में रखना है जिससे कि बॉल और पैडल का कॉन्टेक्ट सही से बन पाए और एक सर्व एक टॉप स्पिन एक बैक स्पिन सही से परफॉर्म हो सके, वेल परफॉर्म। अगर हमने टू हाई कर दिया अपने पैडल को तो इसमें क्या होगा, दिस विल रिड्यूस द स्पेस एंड यू कैन एक्सलरेट अपवर्ड्स रिजल्टिंग इन अ वीक टॉप स्पिन, जो आपका टॉप स्पिन जो होगा वो कमज़ोर हो सकता है। जब आपने टॉप स्पिन ही कमज़ोर कर दिया तो अपोनेंट के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा वो रिटर्न करके या स्मैश करके आप पे वो पॉइंट
आपका पॉइंट, आपसे पॉइंट वो ले सकता है, मतलब वो अपने पॉइंट गेन कर सकता है। वो करना क्या है, इंस्टेड स्टार्ट विद यू बैट बिलो वेस्ट, हमें क्या है अपना जो वेस्ट है हाइट के अकॉर्डिंग रखना है, कोशिश यही करना है कि वहाँ पे रखें अपने वेस्ट के हाइट के अकॉर्डिंग, और जो गैप जो होता है बिटवीन द लेग्स उसे मेंटेन कर रखना है। जिससे क्या होगा, दिस विल गिव यू मोर स्पेस टू एक्सेलरेट, क्योंकि जब एक्सेलरेशन आएगा तभी जाके स्पिन हो पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे दोनों लेग के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो मेंटेन रखना है, और हमें अपना जो वेस्ट है उसे के हाइट के अकॉर्डिंग लेकर चलना है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी, दिस इज माई एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, थैंक यू।